हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी, जिसे घर पे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो लाल हरी वाली मिर्च ली है, सूखी वाली, साथ ही धनिया की जो डंडियाँ आती है वो ली है, चार हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियाँ, एक इंच अदरक को तोड़ के डाला है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और पनीर का जो अनवांटेड पार्ट था उसे मैंने ले लिया है। ऐसे पनीर डालने से क्या होता है कि ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा आता है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको एकदम स्मूथ ग्राइंड करके हम साइड में रख लेंगे मसाला को। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के आसपास पनीर लिया है, ये मैंने घर पे ही तैयार किया था, एकदम अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकला है तो सॉफ्ट भी है। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून जो हमने मसाला रेडी किया है वो डाल देंगे और बाकी का मसाला हम साइड में रखेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें बेसन डाल देंगे। और बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैं क्या करूँगी, इसे हाथों से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हम इसे 10 से 15 मिनट साइड में छोड़ देंगे, जैसे कि मसाला जो हमने डाला है वो अंदर चला जाए पनीर का और ये पनीर फीके फीके ना लगे। 15 मिनट बाद हम देखेंगे पनीर ने मसाला को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में 1 टीस्पून भर के डालेंगे घी। आप यहाँ पर बटर, ऑयल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और जब घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें जो हमने पनीर रेडी किया है उसे डाल देंगे। और यहाँ पे हमारी लाइट चली गई है तो मैं क्या करूँगी, पनीर को फ्राई करके अभी रख लूँगी, जब लाइट आएगी तो आगे का प्रोसेस हम करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पनीर हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर लाइट को आते आते 20 मिनट हो गए हैं। उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, 2 टीस्पून भर के डालेंगे घी। आप ऑयल, बटर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल, 1 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 5-6 लौंग, 6-7 मैंने काली मिर्च ली है और 1 लाल मिर्च को टुकड़ा करके ले लिया है। और इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब कि ऑयल में जब इसका फ्लेवर चला जाएगा तो हम जो हमने मसाला रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, पूरा मसाला अच्छे से निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डालूँगी और सारा मसाला को अंदर से अच्छे से निकाल के इसमें डाल देंगे। और मसाला को अब हम फ्राई करेंगे, 5-6 मिनट लगातार चलाते रहेंगे। मैंने डायरेक्ट ही मसाला को फ्राई किया, ढक ढक के भी आप लो फ्लेम में पका सकते हैं मसाला को, तब भी बहुत अच्छे से फ्राई होता है। जितना अच्छा मसाला फ्राई करेंगे उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी आपकी बन के रेडी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है, मसाला में से घी एकदम छोड़ने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। सब्ज़ी में मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है, इसीलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, जैसे कि इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं है। तो मसाला को भी हम क्या करेंगे, भुनेंगे, तो मसाला जले ना, इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर पानी ऐड किया है और इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे 1-2 मिनट। और ये देखिए मसाला भी भुन गया है, तो हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक काट के डाल देंगे। इसके साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे, तो मैंने यहाँ 3/4 चम्मच नमक ऐड किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ग्रेवी के हिसाब से हमें नमक डालना है क्योंकि पनीर में तो हमने डाला है। मिक्स कर लेंगे टमाटर को और कवर करके हम 5-6 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम में। बीच बीच में मैंने इसे चला लिया था तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मसाला को और 1-2 मिनट भून लेंगे। यहाँ पे मसाला का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और इसमें से घी रिलीज होने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कट करके लिया है और 1/2 छोटा साइज़ का शिमला मिर्च को मैंने
काट के लिया है इस तरीके से स्लाइस कट करके, और बहुत अच्छे से हम इनको क्या करेंगे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने फिर से लो कर लिया है और कवर करके हम इसे भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो कैप्सिकम हमने लिया है और जो प्याज वो सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अक्सर हम रेस्टोरेंट वाला पनीर मंगाते हैं तो उसमें कैप्सिकम और प्याज को इस तरीके से भून के डाला जाता है। ढक्कन हटा के 1 मिनट मैंने इसे और भून लिया है, और अब हम क्या करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून घर की जो दूध की मलाई होती है उसे मैंने अच्छे से फेंट के ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही 1 से 2 पिंच हम चीनी डालेंगे, इससे मीठा नहीं होगा बल्कि टेस्ट इन्हेंस होगा पनीर का, तो ज़रूर डालिएगा। और बहुत अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट और फ्राई कर लेंगे मसाला को। यहाँ पे हमारा मसाला रेडी है, तो हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। आप चावल के साथ के लिए बना रहे हैं तो चावल के हिसाब से, और रोटी नान के साथ बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है, और साथ ही जो हमने फ्राई किया हुआ पनीर था वो भी डाल दिया है। साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने क्रश करके डाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने इस समय लो टू मीडियम में सेट किया है, और 2 मिनट हम क्या करेंगे कवर करके पनीर को भी ग्रेवी के साथ पका लेंगे। और 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप इस पनीर की सब्ज़ी को फुलका, जीरा राइस, नान, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस पनीर की रेसिपी को, और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।